भाई हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद के नारे सदा तक लगते आए हैं और नुए लगते रहोगे। पंजाबी भाई हम पूरा जुनून भरा पड़ा है, जब ताकतवरी पड़ी है, क्या खतर है जो बॉर्डर उन्हें बना रखा है। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जो किले बिछा रखे हैं, किसान नगर रास्ते में जो कांटे बिछा रखे हैं, जो तार बिछा रखे हैं, कंटीले जो बलेडे तार बिछा रखे हैं, जो बंदूक ले खड़े हैं, जो कंटेनर लगा रखे हैं, उन्हें तोड़ने खतर जो है तगड़ा है। फिलहाल हम खनौरी पहुंच गए हैं और पीछे जो है पूरा काबिला आने लग रहा है ट्रैक्टर का और गाड़ी पे गाड़ी और ये भाई मोटरसाइकिल पे। आपके लिए तोड़ दोगे? बिल्कुल जी तोड़ देंगे, ऐसी दो तीन साल पहले भी तोड़े सी, साडे वास्ते तां गल ही कुछ नहीं। बोलो सोनहर सत श्री अकाल। हरियाणा ते पंजाब जदों साडे भाई भाइयों दे विच दीवारां खड़ियां कर देणा सी, रहण नहीं देणियां। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ। ਕੌਣ ਮਾਮਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। अच्छा पिछले किसान आंदोलन में आपके साथ धोखा हुआ? पूरा धोखा हुआ, सानू उसे भेजता मुड़ के, कोई उन्होंने गल ही नहीं की साडे नाल, जेड़ा वादा करया दी वो पूरे दे नहीं मोदी उतरे हैगे। जिस तरीके से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर किले बिछा रखी है, कंटीले तार लगा रखे हैं, इतना खतरनाक प्रोग्राम करके है आपको पीटने के लिए, अगर इतना पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर करा जावा है तो इतने नशीले पदार्थ भारत में हुआ है, इतने आतंकवादी भारत में हुआ है तो वो बंद नहीं हो जाएंगे? वो तो बंद हो जाएंगे, उत्थे ड्यूटी देनी चाहिए इन्हें बार्डर से। आप साढ़े दिल्ली जाने तो क्यों सानू रोका जा रहा है? हरियाणा से पंजाब असं तो भाई भाई हाँ, गए साडिया मंगा जायज ने सानू देन, असं कि उत्थे ग्रनेड लैके जाने, कोई बंब चक्की आने जब तोपा नहीं छड़ लवे, अभी तो खाली हाथ आए, खाली हाथ जा रहे हैं, साढ़े हक दे दो सानू। बिल्कुल, हरियाणा पंजाब की बात करिए भाई जी ने, तो हरियाणा पंजाब का भाईचारा नुए जिंदाबाद रहोगा और बॉर्डर पे भी हरियाणा के भाई आ गए इनके स्वागत करने के लिए, आगे खड़े हैं। हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, जिंदाबाद हरियाणा पंजाब जिंदा एका, हरियाणा पंजाब एका जिंदाबाद, किसान दुनिया एका जिंदाबाद। साडे हक सानू दे दे मोदी, सानू मजबूर ना कर, सिर ते कफन बन के तुरिया तेरिया किलां ते तेरे बॉर्डर सानू रोक नहीं सकते। जदों सिर ते कफन बन के तुर पे सानू कोई रोक नहीं सकता, माई दा लाल चाहिए मरीए जां मर्जी आपदे हक्कां लई असीं वापस नहीं मुड़ांगे। तेरे असीं दुबारे ते पहुंच रहे हैं, तेरे दुबारे ते पहुंचांगे दिल्ली, सानू कोई बॉर्डर रोक नहीं सकता, पहुंचांगे जरूर। दिल्ली दूर नहीं, हरियाणा पंजाब एका जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब एका जिंदाबाद। बोले सोनहर जी, 2024 का इलेक्शन आ गया है आगे और पूछूंगा थोड़ी बात है, क्या अपना लगा है कि सरकार यह कोशिश करने लग रही है कि आपस में बिड़ा हो, फूट गेट दो, यानी कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कई प्रकार के मतलब इस तरीके से फूट डालने की कोशिश करने लग रही सरकार? ऐसी इन्हू कोई वोट नहीं दी जाए इस तरह करे, असी इन्हों साडे च फुट पाउणी चाहुंदा है, किते हिंदुओं नूं मरवाउंदा है, किते मुसलमानों नूं मरवाउंदा, किते सिखां दे गुरुधामां दे कब्जे करवाउंदा है। मोदिया समझ जा, तू भी लेखा तेनू भी देना पऊगा, वह परमात्मा दे घर जाके उपर कला लेखा देना पऊगा तेनू। तू सानू शांतमई बैठण दे, सानू हस के गबदे साढ़े साढ़े जिहड़े हक ने सानू दे दे, असीं होर कुछ नहीं मंगदे तेतों, खाली हथ आया, खाली हथ तू भी जावेंगा इक दिन इत्थों दुनिया तो। बिल्कुल, किसान की कौन सी यूनियन से आप, के नाम है? हमारी दुनिया रहेगी किसान दुनिया एकता। हाँ, ये लिख करके भाई कैमरा मैन को फोकस कर दो, इसके ऊपर लिखा हुआ है पंजाबी बीच। अच्छा न्यू बताओ, अपने पीछे काफी लान लग रहे ट्रैक्टर का, तो उसमें कितने ट्रैक्टर है? हजारों लाखों किसान है, हजारों के सामने ट्रैक्टर है। अच्छा हाँ, अच्छा कितने दिन का प्रबंध करके ले रहे हो ट्रैक्टर लिया? कम से कम एक साल का प्रबंध है, पूरा एक साल का प्रबंध, पूरा पूरा एक साल का प्रबंध है। खान पीन का, पानी का, सारा पानी साधन सब कुछ लेके आया, पखे तो लेके मच्छरदानिया तक भी लाए, गर्मी एक साल का प्रबंध है। पूरा लंगर लगेंगे? लंगर लगेंगे पूरे पहले की तरह, वो परमात्मा गुरु नानक दे लंगर दा चलदी रहेंगे 13-13 तो लांगे। अच्छा सरकार धमकी देने लग रही है, सरकार धमकी देने लग रही है कि अगर कोई भी इस किसान आंदोलन में भाग लेता हुआ पाया गया उसके पासपोर्ट रद्द कर देंगे, उसके ऊपर केस लगेगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्या कहना चाहोगे? सरकार ने अगर खुद आप ही नहीं रहना जो इतना दलील करेगा,
ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬਤਾਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ MMC ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ MSP, ਹਾਂ MMC ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਪਿੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜੜ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪ ਬਾਈਕ ਪਹੋ ਔਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਸਾ ਕਿਉਂ? हम पहले जाएंगे ना, क्योंकि हम बॉर्डर तोड़ना चाहते हैं, आगे जाएंगे। अच्छा। हम आना नहीं थे चाहते, मोदी सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हम आना नहीं थे चाहते, लेकिन 3 साल हो गया असने वेट किया, लेकिन साढ़े उत्ते जोड़े साढ़िया मंगा सी या साड़ी डिमांडा सी पूरी नहीं कीतिया, इस करके असी मजबूर उत्ते दोबारा आए हैं और असी जोड़े केस पाए हैं या साडे ट्रैक्टर जब्त किए उन्होंने छुड़ाने वास्ते आए हैं, और जोड़े 700 साडे उत्ते किसान शहीद हो गया सी उन्हों का इंसाफ मुआवजा नहीं मिले, इस करके आए हैं। असी आना नहीं सी चाहते पर सानू मोदी सरकार ने मजबूर किया और असी इस दिल्ली नूं फतेह करके ही हटांगे। अच्छा, पिछली बार है ना जो गोदी मीडिया है उन्होंने खुल खुल के लिखा अपने चैनलों पे कि भाई ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो उग्रवादी है, उनके बारे में क्या कहना चाहो? कौन सी मीडिया अपने सच्चाई दिखाने लग रही है? मीडिया जो है सब बिकी हुई है, सच्चाई कहां से दिखाएगी वो? अरे वो तो सब बिकी हुई है। हम कौन से आतंकवादी हैं? देश के लिए लड़ते हम हैं, नौजवान हमारा भाई फौजी है, वो देश की वहां पर बॉर्डर पर खड़ा है, रक्षा तो हम करते हैं, ये मोदी लोग थोड़ा करते हैं जो अंदर गाड़ियों में कोठियों में बैठे हुए हैं, हम रक्षा करते हैं, हम आते हैं, हम आगे गोलियां खाते हैं, नहीं तो हम ये खेतों में काम करते हैं, सारे हिंदुस्तान को पालते हैं, हम कैसे उग्रवादी हैं? उग्रवादी तो वो है जो हमारे लिए कीले गाड़े हुए हैं, रस्ते में ये पत्थर कंक्रीट रखा हुआ है, हम कौन सा गुनाह करने आए हैं? हम तो देश के हित के में आए हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम फौजी हैं, इसलिए हम कहना ये चाहते हैं कि ये सरकार बनाई हुई हमारी है और हम ही इसको मटाएंगे कि ये किसानों पर जुल्म करती है, हमने 3 साल वेट किया है, इन्होंने लारे लोपा लाया, यहाँ बैठ के ये मीटिंग करना, वो करना, ये करना, कुछ भी नहीं कह रहा। लखीमपुर में जो इतना कांड हुआ उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला और हमें आस भी नहीं, और हम लेंगे अब डंडे के बल से और एकता के बल से लेंगे। बोले सो निहाल। अच्छा, क्या एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से चलाओगे या फिर जंग करोगे? हम देखो आज 4 दिन हो गए मीटिंग चलते हुए, हम शांतिपूर्वक है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, हम मीटिंग में जा रहे हैं, अगर मीटिंग में वो हमारा फैसला कर देते हैं हम यहीं से वापस चले जाएंगे। ठीक है, पहुंचो जी, पीछे काफिला आ गया, हम इनका रास्ते में रुकावट नहीं बनाएंगे। भाई कैमरामैन ने कहूंगा खींच दे मीटर, चलन दे, स्टार्ट कर दे अपनी गाड़ी ने, ये देख लो भाई पूरा का पूरा काफिला आ गया भाई, जबरदस्त जोश जुनून जो है युवाओं में भी दिखने लग रहा है। गला बैठ गया भाई, बोलते बोलते गला पटन हो गया। हेलमेट पहन ले भाई जी, और जोर मीडिया भाई जी, ZOR मीडिया। ठीक है भाई जी, चलो आगे सारा सारा काफिला भी दिखाओ भाई, और पीछे भी हमने दिखाया, ये देख लो भाई जबरदस्त जुनून में, ये देख लो भाई पीछे आ गए हैं ट्रैक्टर के ट्रैक्टर, हजारों बहुत लंबा भाई जी, हजारों लाखों ट्रैक्टर बताने लग रहे हैं, ये देख लो भाई आगे का गाड़ी, पीछे पीछे ट्रैक्टर और माहौल होगा खतरनाक वाला, ये देख सकते भाई, वाह जी वाह, वाह जी वाह भाई, इनके बार युवा दिखने लग रहे हैं, और ये देख लो भाई क्या बात है, चल दे भाई मीते ले खींच के ना, आगे बॉर्डर पे इंतजार करने लग रहे हैं लगभग है?